हेलो गाइस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए रीडिंग करने वाले हैं जून मंथ के लिए, जो कि जून 2022 है। यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे लव करियर से रिलेटेड, ओवरऑल आपके लाइफ में जून मंथ में क्या क्या होने वाला है गाइस, ठीक है। तो ये रीडिंग जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। यहाँ से हम मेन मैसेज लेंगे, ये सीक्रेट टैरोट डेक है। यहाँ से हम एक मेजर मैसेज लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा गाइस, ठीक है। और यहाँ से हम एंजल मैसेज लेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसे साइड कर देते हैं क्योंकि ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम मेन मैसेज चेक कर लेते हैं गाइस। पॉजिटिव रहना, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी अपने मन में ना लाना, पॉजिटिव रहो। द एम्प्रेस रिवर्स आया है गाइस, ठीक है। जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। Eight of Cups, चलिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, आपके पास एक ऑफर आने वाला है जो कि पैसों वाला ऑफर है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस, आपको, आप जहाँ पर काम करते हो आपके वर्किंग फील्ड में, ठीक है, वर्क फील्ड में आपको प्रमोशन मिल सकता है। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनमें ग्रोथ दिखाई दे सकता है, ठीक है, बिजनेस में। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, ठीक है गाइस। एक पैसों वाला ऑफ़र तो आपके पास आने वाला है और बहुत से लोगों को फ्री में पैसा मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। कहीं से भी आप पैसा अचानक से पा जाओगे, ठीक है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर होती हुई नज़र आ रही है मुझे गाइस, ठीक है। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर साइन बता देती हूँ कौन कौन से साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन है जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, और यहाँ पर आर्थ साइन भी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी फायर साइन नज़र नहीं आ रही है गाइस, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जून मंथ के 1 से 10 तारीख के बीच क्या होने वाला है आपके लाइफ में देख लेते हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ऊपर नज़र रखने वाले हो 1 से 10 तारीख के बीच में। वो किसी का बॉयफ्रेंड हो सकता है, किसी का गर्लफ्रेंड हो सकता है, किसी फ्रेंड हो सकता है, किसी पर्सन हो सकते, जो कोई भी हो, फैमिली मेम्बर हो सकते। आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने वाले हो गाइस, ठीक है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, किस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले हो किसी इंसान को, ठीक है गाइस। आप बहुत ही ज़्यादा नज़र रखने वाले हो और ये नज़र आप इमोशनल होके रख रहे हो गाइस, ठीक है। आप किसी पर्सन के प्रति आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, ऐसा मुझे लग रहा है 1 से 10 तारीख के बीच। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है आप किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो और उसके बदले में आप इमोशनल होके उनके ऊपर नज़र रखना स्टार्ट कर दिए हो कि ये इंसान सही है या नहीं। किसी किसी के लिए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप जिस वजह से आप एक इंसान के ऊपर नज़र रख रहे हो
तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट होगा, आप नज़र रख रहे हो पर आपको कुछ मिलेगा नहीं आंसर में, कुछ नहीं मिलेगा, आप नज़र रख कर भी कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप जिस वजह से नज़र रखने जा रहे हो तो वो काम आपका फुलफिल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? तो सक्सेस आपको इस बात में मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 10 से 20 तारीख के अंदर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। तो देखो, आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास सब कुछ है गाइस, ठीक है? विशेष तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फिनेंशियली कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, या फिर 20 से 30 तारीख के अंदर, सॉरी 10 से 20 तारीख के अंदर हो जाएगी। फिनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है मुझे, ठीक है गाइस? आप जो ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे थे, ठीक है, तो आपके पास वो इंसान भी आती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? पर कहीं ना कहीं आपके मन में थोड़ी सी दुख है, किसी भी वजह से हो, आप खुश नहीं हो पा रहे हो गाइस, ठीक है? यहाँ से मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपके पास पावर है, खुशियाँ है, आप जिसको चाहते हैं, जिसके ऊपर नज़र रख रहे थे, वो आपके पास आ गया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिछले किसी पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गाइस, ठीक है? या फिर मुझे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, आपके पास जो फैमिली सेलिब्रेशन है, आप फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है गाइस, ठीक है? जो फैमिली सेलिब्रेशन है वो तो यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि 20 से 30 तारीख के अंदर आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो देखो, यहाँ पर जो एम्प्रेस का कार्ड है वो उल्टा आया है, यानी रिवर्स में आया है, और यहाँ पर जस्टिस है गाइस, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो जैसे हो, ठीक है गाइस, आप खुद को बदलना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको खुद को बदलना पड़ रहा है। बहुत से लोग किसी और के लिए खुद को बदलना चाहते हैं, वो दिखा रहे हैं कि मैं किसी के लिए नहीं बदल रहा हूँ, पर वो खुद जानते हैं कि वो किसी ना किसी के लिए तो बदल रहे हैं गाइस। और जस्टिस हो रहा है कि आपके मन में जो दुख है ना गाइस, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। जस्टिस आपको मिलेगा। आप जो इतना इतना जो कष्ट झेल रहे हो, आप इतना सैड हो, आप इतना दुखी हो, आपके मन में जो दुख है, आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी की चीज़ के लिए। आप जो पहले इतना खुश हुआ करते थे गाइस, ठीक है, वो खुशी आपको वापस चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाहर से आप खुश लग रहे हो, ऐसा नहीं है, आपको अपना मन का खुशी वापस चाहिए। बहुत से लोगों को बहुत से प्रॉब्लम है गाइस, ठीक है, उनके मन में, वो बाहर के लोगों को बताना नहीं चाहते हैं। पाइसिस ऐसा करते हैं गाइस, ठीक है, वो बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत ठीक ठाक हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। वो अंदर ही अंदर घुटते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, ठीक है, देर रात तक जागते हैं, वो बहुत सोचते हैं, ठीक है? तो आपको जस्टिस मिलेगा गाइस, ठीक है? मुझे यहाँ से ऐसा ही लग रहा है, आपके जो दुख भरे साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा जून मंथ में, और 20 से 30 तारीख के अंदर मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैसेज क्या है। गाइस पॉजिटिव रहो। द व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो अब क्या कहना है आपको। यहाँ पर जस्टिस है, इसके बाद ही व्हील ऑफ फॉर्चून आया है गाइस। ओवरऑल आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपका जो भाग्य का जो पहिया है वो घूमने वाला है गाइस। आप जो इतना कष्ट बहुत दिनों से झेल रहे थे, ठीक है, वो साइकिल अब ख़त्म होने वाला है गाइस। एंजल का नज़र आपके ऊपर पड़ा है, किसी भी तरीके से हो गाइस, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो शायद इसीलिए, ठीक है? तो आपको जस्टिस भी मिलेगा और व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो आपका जो भाग्य है वो डेफिनेटली चेंज होगा गाइस, ठीक है? आपका एक खुशियों वाला साइकिल स्टार्ट होने वाले हैं और एक दुख भरा साइकिल ख़त्म होने वाला है गाइस, ठीक है? तो ये जून मंथ में होगा, और या फिर आपको जून मंथ के लास्ट सेशन में, यानी 20 से 30 के बीच में हो जाएगा गाइस, ठीक है? या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में।
मुझे यहाँ से ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो एंजल से तो आप पूछ सकते हो, अगर एंजल चाहे तो आपको हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो मैसेज एंजल को देना ज़रूरी लगेगा तो वो मैसेज वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो हैव फेथ गाइस, विश्वास रखो, ठीक है। आप मिरेकल पे विश्वास करना स्टार्ट कर दो गाइस, ठीक है। आपको अगर ऐसा कुछ लग रहा था कि ये काम नहीं हो सकता है, ये मैनिफेस्टेशन मेरी पूरी नहीं हो सकती है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एंजल आपसे कह रहे हैं कि हैव फेथ, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का पहला रूल ही है, आप भगवान को पहले से ही ग्रैटिट्यूड शो कर दो कि वो चीज़ आपको मिल गई है, ठीक है गाइस। तो आप पहले से ही भगवान को, अभी से ही अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में थैंक्स बोलो, ठीक है। और आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते रहो, आप ऐसा मत सोचो कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हैव फेथ आया है और मिराकल पे विश्वास करना चाहिए आपको, क्योंकि एंजल कह रहे हैं कि आप विश्वास करो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाए, पॉजिटिव सोचे, सब कुछ अच्छा होगा। बाय।